अब योगी जी योगी नहीं रहे, अब वो नेता बन गए, आप समझ रहे मेरी बात, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इन्हें इनके खिलाफ बोलना है, जो नेता का मतलब क्या है, सिर्फ इन्हें वोट चाहिए और सत्ता चाहिए, पब्लिक जाओ भाड़ में, लोगों के इधर करो से, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अरे लोग 80% फ्रॉड तरीके से बनारस से तो मोदी जी भी आ रहे हुए हैं, क्या बात कर रहे हो, जाओ टेलीकास्ट कर देना, मोदी जी बनारस से आ रहे हुए, क्यों मोदी जी बनारस से 90% आ रहे हुए हैं भाई साहब, 101% 90 की बात छोड़ो। तीसरी बार मोदी की सरकार बन रही है, लोग बाग अभी भी कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो भाई, बेरोजगारी जब तक रहेगी, जब तक हिंदुस्तान की जनता, नेताओं में कमी नहीं है, जनता में कमी है, जनता सिर्फ धर्म की राजनीति खेल रही है, चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी तो सरासर धर्म की राजनीति पे टिकी हुई है, वो भी कोई लेना देना नहीं, पब्लिक मरो भाड़ में जाओ, इन्हें चाहिए सीट, मोदी को भी सीट चाहिए, योगी को भी सीट चाहिए, पब्लिक यहाँ रोड पे मुसलमान मरा है, हिंदू मरा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक हमारे हिंदुस्तान के सही पूछो ना, पागल है, 80% पागल जनता है हिंदुस्तान की, जो अंधभक्त है, बुरा लगे वो पे बोल दो, इस देश का विकास कभी कोई सरकार नहीं कर सकती जब तक जनता नहीं सुधर सकती, हम महंगाई ऐसी बढ़ेगी जैसे बढ़ रही है, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में मैं तो ये जानता हूँ कांग्रेस में सभी हम ठीक थे, चाहे कैसे भी सही, लेकिन जो बीजेपी ने गंद फैलाई है ना, किसी पार्टी ने आज तक नहीं फैलाई, सबको बांट के फेंक दिया, अरे शांत हो जाओ, बीजेपी ने जो गंद फैलाई है ना हिंदुस्तान में, किसी पार्टी ने नहीं फैलाई आज तक, तो मुसलमान से नफरत करते हो तो मुसलमान को देश से बाहर करो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो हिंदू हिंदू और मुस्लिम को मरवाओ मत, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलकर रहे, कांग्रेस ही सरकार में मिलकर रहे, और जहाँ तक मुसलमान की और हिंदू की बात है, जो भी फाइट करी है मुसलमान से कांग्रेस ने करी है, हिंदू बीजेपी ने नहीं करी, बीजेपी सीखी सिखाई रोटी खा रही है, चाहे मेरठ के दंगे ले लो, मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हो कांग्रेस की सरकार में हुआ है वो भी जीते, पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती है बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट और कुछ नहीं। बीजेपी को अच्छी तरह पता है पब्लिक कैसे बेवकूफ़ बनती है, ठीक है, चाहे इसमें योगी हो या आसाराम हो या कोई भी हो, इन्हें पता है किस तरह से उल्लू बना के पब्लिक को पैसा कमाया जा सकता है, और जब तक हिंदुस्तान में बेवकूफ जनता है ऐसे ही राज करेंगे बेवकूफ सरकार, राजनीति कर रहे हैं ना योगी जी, मटके अब मटके नेता नहीं रहे, वो मंडल शांत हो जाओ, अब योगी जी योगी नहीं रहे, अब वो नेता बन गए, आप समझ रहे मेरी बात, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इन्हें इनके खिलाफ बोलना है, जो नेता का मतलब क्या है, सिर्फ इन्हें वोट चाहिए और सत्ता चाहिए, पब्लिक जाओ भाड़ में, लेकिन जनता द्वारा ही तो चुनी हुई सरकार है, दूसरी बार जाने आपसे क्या कहा, जनता जब तक बेवकूफ रहेगी ऐसे इन पे ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, महंगाई कभी रुक नहीं सकती, पब्लिक की बेवकूफ तो क्या कर सकते हैं भाई, क्या करोगे, इन्हें तो सत्ता चाहिए कुर्सी चाहिए, या हिंदू मरो या मुस्लिम मरो राजनीति करना जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हमने वो टाइम देखा था कोई मुसलमान हो या हिंदू कोई नफरत नहीं थी, नफरत किसने बैठाई गाँव में, नेताओं ने बैठाई, नेता देश का भला नहीं चाहना चाहता, क्योंकि सब पता है हमें बंटवारा करके राजनीति वोट और सीट चाहिए, तो सर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो लोकतांत्रिक देश है और लोगों के इधर करो से, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, अरे लोग 80% फ्रॉड तरीके से बनारस से तो मोदी जी भी आ रहे हुए हैं, क्या बात कर रहे हो, जाओ टेलीकास्ट कर देना, मोदी जी बनारस से आ रहे हुए, क्यों मोदी जी बनारस से 90% आ रहे हुए हैं भाई साहब, 101% 90 की बात छोड़ो, खुल के बदमाशी चल रही है सरकार की, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि फ्रॉड तरीके से उठो, ऐसा चाहता हूँ मेरा मतलब है लोग सही रास्ते, जब तक यूपी हिंदू धर्म सच्चाई को नहीं पहचानेंगे, और सच्चाई हिंदुस्तान की जनता कभी पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि इन्हें ये भटके हुए हैं, इन्हें सिर्फ चाहिए खाने को और राशन चाहिए फ्री का, आप समझ रहे हो मेरी बात, मेरा ये घर है, कभी राशन फ्री राशन कार्ड नहीं बनवाया, ना कोई सब्सिडी ली, ना कोई कुछ चाहिए,
वो 2.5 लाख का वाला है जी, मैं 2.5 लाख का फॉर्म भर दो। मैं बोला मुझे बीजेपी के 2.5 लाख का चाहिए नहीं, भाड़ में जाओ बीजेपी क्या चाहती है, मैं अपना जमीन बेच दूँ चाहे अखिलेश हो। अखिलेश की सुन लो, लैपटॉप की घोषणा करी थी, मैं बाप हूँ, मेरा बाप अखिलेश नहीं है मेरे बच्चों का, मैं लैपटॉप का इंतजाम क्या करूँगा, कमाऊँगा मैं हुनर हूँ। ये घटिया लोगों की पहचान है, इसने घोषणा कर दी मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा।